खबर शुरुआत करते हैं। अयोध्या में नई हलचल को देखते हुए पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आईजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि इस मामले में रिपोर्ट मुख्यालय तलब की गई है। दरअसल राजस्थान से तराशे गए पत्थरों की खेप अयोध्या पहुंचने के बाद यहां सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी को ध्यान में रखते हुए सतर्कता बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। अवनीश विद्यार्थी है, इंडिया 24/7 रिपोर्टर। अवनीश, किस तरह से ऑर्डर्स पास किए गए हैं और क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं? देखिए, खासतौर पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जो वहाँ सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनको सतर्क रहने को कहा गया है। पल पल की गतिविधियों की जानकारी प्रदेश मुख्यालय पर तलब की गई है और डीजीपी मुख्यालय की ओर से भी जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है इस पूरे मामले पर, उसको भी तलब किया गया है। जो रिपोर्ट आज देर रात तक पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर आगे और भी सुरक्षात्मक कोई कदम उठाने होंगे तो शासन की ओर से उठाए जाएंगे। क्या अलग से वहां पर ये कहें कि फोर्स भी भेजी गई है पुलिस के, क्या अतिरिक्त जवानों को भेजा गया है? देखिए, वहाँ पहले से ही जवानों की काफी सारी तैनाती है। वहाँ सीआरपीएफ पहले से ही जहाँ विवादित परिसर है उसकी सुरक्षा देखती है। वहीं बाहर की सुरक्षा के लिए भी पीएसी और दूसरे सुरक्षा प्रबंध पहले से ही किए गए हैं। उस कड़ी में सुरक्षा व्यवस्था वहाँ पर है और उसको और अलर्ट पर रखने को कहा गया, सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस यूनिट्स को जो है वो कहीं ना कहीं अलर्ट पर रखने की बात कही गई है। तो इसका मतलब ये कि एक नजर बनाए रखने की बात जो है वो पूरे मामले पर, खासतौर पर जो गतिविधियां पिछले एक दो दिनों में बढ़ी हैं उसको लेकर के है। चलिए, अपनी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सतर्कता कड़ी की गई है नई हलचल को देखते हुए। तो अयोध्या में फिर हलचल है, पत्थर फिर टकराने लगे हैं, सियासी जुबानें फिर टकराने लगी हैं। 8 साल बाद राजस्थान से तराशे हुए पत्थरों की एक खेप पहुंची है, शिला पूजन हो रहे हैं। दावा है कि आपकी बार राम मंदिर जरूर बनेगा। दावों पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राम मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों की नई खेप अयोध्या पहुंची, शिला पूजन हुआ तो सियासी पारा एक बार फिर चढ़ गया है। राजनीतिक हलकों में प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को नजदीक से जानते हैं, चुनाव की आहट आते ही भगवान राम बहुत बेसब्री से याद आते हैं भाजपा को, तो हम सब सुनते सुनते ये थक गए हैं। चुनाव आने वाले हैं 2017 में, अब राम मंदिर का मुद्दा उठेगा, पर देश को और प्रदेश की जनता को होशियार रहना है। संविधान और अदालतें आस्थाओं से नहीं, तर्कों से चलती हैं। मंदिर निर्माण वाले भावनाओं पर राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मौजूदा सरकार समाजवादी पार्टी की है। 2017 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा मौजूदा घटनाक्रम को राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी बेहद संजीदा मान रही है और केंद्र और राज्य सरकार को एक साथ घेर रही है। पर सपा की सरकार है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जब ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़ा है तो वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं करने देना चाहिए कि जिससे वहाँ पर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाए। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक जफरयाब जिलानी ने कहा है कि बीजेपी राम मंदिर मुद्दे पर राजनीति कर रही है। जफरयाब जिलानी का कहना है कि बीजेपी के लिए ये मुद्दा धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक है। और अभी 2017 तक उनको ये बात दिखाना है, क्योंकि 2017 में जब यूपी में इलेक्शन होंगे तो उनसे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग पूछेंगे कि आपने 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए आपकी सरकार को आए हुए, आपने क्या किया। तो उसके लिहाज से तैयारी कर रहे हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है, प्योरली राजनीतिक कारण, इसका कोई धार्मिक कारण नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और कवि राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विनय कटियार ने इस मामले पर अपना पक्ष कुछ इस तरह से रखा है। कहीं 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 शिला पूजन का कार्यक्रम नहीं है, शिला पूजन हो नहीं सकता। अब है वो पत्थर जो आ रहे हैं, नए सिरे से तराशने का काम शुरू होगा। एक मंजिल का काम लगभग पूरा हो गया है, 3 मंजिलों में काम होना है। अदालत के अंदर केस जो है वो वहाँ जन्मभूमि के भूमि का है, न कि मंदिर निर्माण को लेकर के है। टाइटल शूट चल रहा है तो टाइटल शूट का निर्णय होने दीजिए। अब राम जन्मभूमि न्यास और विश्व हिंदू परिषद की कोशिशों में फिलहाल रामलला विराजमान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नया टेंट तो मिल गया है, लेकिन जिस तरह से यूपी में सियासी उबाल आया है उससे इतना तो तय है कि आने वाले दिनों में जनता से जुड़े मुद्दे कुछ और पीछे चले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7।